हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकांक्षा फिर एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और इस बार का जो वीडियो है वो मीशो हॉल होने वाला है। यानी कि मैं सारी साड़ियाँ कलेक्ट करके रखी है जो मीशो से ही मैंने कलेक्ट किया है। ये पूरी वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है और कोई ना कोई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होता है। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि हेल्पफुल के साथ साथ अगर मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है तो उसको आप फटाक से ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, फिर वो आपको रिसीव नहीं होता है और आपको लगता है कि कोड गलत है। तो कोड गलत नहीं होता है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट आपको साड़ी बता देती हूँ। फर्स्ट साड़ी मैंने रेड कलर की मंगवाई हुई है, जो बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही प्यारा सा जो रेड होता है ना, उस रेड कलर की आपको ये साड़ी मिलने वाली है। साड़ी के उसकी बात करूँ फैब्रिक की, तो नेट का फैब्रिक हमको मिलता है, जिसमें आप देखोगे तो रेशम की पूरे में वर्क हुआ है, यानी कि एम्ब्रॉयडरी हुई है। अगर ये बात हम लोग आंचल से कर रहे हैं, आंचल साइड में आपको दिखाऊं तो इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो कि डोरी वर्क होता है। उसके साथ ना आप दूर दूर पे देख रहे हो तो आपको मोतियों की, मतलब कि ना मोती आपको चिपकी हुई मिलेंगी, तो ऐसे पूरी में मोती हुई आपको चिपकी मिलती है। ये आंचल साइड है, जो साइड में आपको कहिया मिलता है। तो बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। जब मैं इसको ट्राई कर रही हूँ तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोई भी साड़ी हो ना, जब तक आप उसको वेयर नहीं करते तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि किस टाइप की साड़ी हमको रिसीव हुई है। तो साड़ी बहुत ही प्यारी सी है। ये जो हमको पूरा वर्क मिलता है ना, ये कमर साइड तक आता है, और फिर जब हम लोगों को बॉर्डर रिसीव होता है तो आप ये देख रहे होगे बॉर्डर इस तरीके से पतला रिसीव हुआ है, यानी कि यहाँ पर तो चौड़ा बॉर्डर है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब हम लोगों को रेशम का वर्क मिल रहा है वो थोड़ा सा पतला यहाँ तक सिर्फ मिल रहा है। तो साड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत कम प्राइस की है। इतने कम प्राइस में साड़ियाँ हम लोगों को रिसीव नहीं होती हैं। अब इसके साथ में बात करूँ ना, तो ये लास्ट में आपको ब्लाउज पीस मिलता है जो नेट का ही मिलता है। बैक साइड में हमको ये इस तरीके की डिज़ाइन मिल रही है, ये आप बैक साइड करवा लो। फ्रंट साइड में आपको नॉर्मली ओपन करना है। तो देखिए नेट की साड़ी में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि फ्रंट ओपन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें हम लोग प्लेट वगैरह नहीं लेते हैं, उसमें हम लोगों को ये रहता है कि फ्री पल्ला लें, और फ्री पल्ले में फ्रंट से ओपन अच्छा नहीं लगता, बैक ओपन अच्छा लगता है। तो इसको आप फ्रंट पे करवा लो, बैक पे आप नॉर्मली करवाओ। और ये आपको दो साइड ऐसा मिल रहा है ना, ये स्लीव के लिए मिल रहा है, तो ये आप स्लीव पे ऐसे बॉर्डर लगवा सकते हो। मतलब आपको कोई बॉर्डर लगवाना है वो आप स्लीव पे लगवा लो। तो ये साड़ी बहुत अच्छी है, लुक वाइज बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको किसी भी, आप नॉर्मली जैसे कि ना अब वेडिंग का टाइम चल रहा है तो पार्टी वेयर ही साड़ी चाहिए हमें, तो पार्टी वेयर के अकॉर्डिंग जो कम रेंज में हो हम लोगों को नॉर्मली पहनना, अच्छे से वेयर करिए कोई ज्वेलरी के साथ, या फिर कुछ अच्छे से चूड़े उड़े इसमें वेयर करिए तो अच्छे लगेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके साथ ना हमको इस तरीके का ब्लाउज़ में ना कपड़ा मिलता है, फैब्रिक अच्छा है, इसको अंदर लगाने के लिए अस्तर के लिए यूज़ करना है, लेकिन ये ब्लाउज़ का ही फैब्रिक मिल रहा है और कलर इसका भी रेड, तो आप इसको आराम से इसको इस पे इसके साथ स्टिच करा सकते हो, सेम रहेगा लेकिन सेम अच्छा लगता है। अब आपको दूसरी चीज़ मैं दिखा देती हूँ, दूसरी साड़ी दिखा देती हूँ। दूसरी साड़ी जो है ना, ये ऐसा मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर के लिए मैंने इसको ऑर्डर किया था, और मैं हर बार ना बिल्कुल सिंपल साड़ी लेके आ रही थी तो इतने कमेंट आते थे कि आप थोड़ा सा मुझे ऐसी भी साड़ियाँ दिखाओ जो थोड़ी सी हैवी हो और कम प्राइस की भी हो, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी पसंद करें। तो मैं थोड़ी सी हैवी भी साड़ियाँ लेके आ रही हूँ लेकिन कम प्राइस की। तो ये बहुत ही कम प्राइस की साड़ी है, फैब्रिक बहुत प्यारा सा है। अगर इसके आंचल से स्टार्ट करें तो आंचल इस तरीके का आपको मिलता है, जो एम्ब्रॉयडरी मिल रही है और इस तरीके का बॉर्डर मिल रहा है, जिसमें आपको डोरी वर्क मिलता है। डोरी वर्क के साथ इसमें ना ग्रीन कलर की और रेड कलर की आपको दूर दूर पे पत्तियाँ मिलती हैं, और लास्ट में ना इस तरीके से हम लोगों को रेड कलर से ऐसे फिनिश किया गया है। और पीछे साइड की भी बात करूँ तो ऐसा बॉर्डर ना, मतलब साड़ी का ही फैब्रिक लगा है लेकिन इस तरीके से इसको फिनिश किया गया है, तो बहुत ही अच्छे से पीछे भी इसको, मतलब ऐसा रेशम ऐसा दिख नहीं रहा है कि आपको दिखता है, क्योंकि कई बार बॉर्डर लगता है ना तो पीछे उन लोग फिनिश नहीं करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पीछे से भी बहुत अच्छा है। पूरी साड़ी हम लोगों को ऐसी मिल रही है, दूर दूर पे आप ये देख रहे होगे तो आपको ये प्रिंट मिलेगा, जो साड़ी में आपको तिरछी तिरछी सी लाइनिंग मिलती है। अब इसके पूरी साड़ी में जब वेयर कर रही हूँ ना, तब देख लीजिए इस साड़ी को मैं पहनने के साथ साथ आपको स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, कोड मेंशन करती जाऊँगी। अगर इसके भी कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, जो कलर आपको पसंद आए आप वो कलर इसके मंगवा सकते हो। लास्ट की बात करूँ तो जो इसमें मुझे रिसीव हो रहा है ना, वो ऐसा रेड कलर का ब्लाउज़ रिसीव हो रहा है, और उसमें ऐसा चौड़ा सा पट्टा जैसे साड़ी में लगा हुआ है वैसे ही लगा। ये ब्लाउज़ इसके साथ अच्छा लगेगा, आप अगर पार्टी में इसको सोच रहे हो, पार्टी में अच्छी लगती है इस टाइप की साड़ी, कोई रेड कलर की ज्वेलरी के साथ इसको वेयर करो, या फिर बड़े बड़े से झुमके हो
आपके पास रेड कलर के, उसको इसके साथ वेयर कर सकते हो। और ये ब्लाउज आप स्टिच कराओ, अच्छे लगोगे। और रेड कलर की ही आप चूड़ियाँ पहनो तो भी बहुत अच्छे लगोगे। और मैंने जब इसको वेयर किया ना, तो मैं एक ब्लू कलर का ब्लाउज ऑलरेडी पहनी हुई थी, उसी ब्लाउज में मैं इसको आपको वेयर करके बताई हूँ। बट इसके साथ रेड कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा दिया है, आप इसको ज़रूर पहनिए, मतलब स्टिच भी कराइए अगर पार्टी वगैरह के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं तो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पीस के तरफ। ये भी नेट का ही है। ये तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये इस टाइप का पीस है ना कि नई नई अगर आपकी शादी हुई है तो आप फटाक से इसको बनवा सकते हो, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसकी भी स्टार्टिंग करते हैं तो वो आँचल से ही करते हैं। आँचल आप देख रहे होगे दूर दूर पे आपको कैया वाली लेस मिलेगी, लेकिन कैया वाली लेस हम लोगों को मतलब पलटी हुई मिल रही है। अंदर साइड आपको रनिंग में ऐसा दिख रहा होगा, इस टाइप की डिज़ाइन है। दूर दूर पर आपको सितारे की ना सिक्वेंस का वर्क मिलेगा, लेकिन बिल्कुल आपको चिपका हुआ है, मतलब टाइट सा वर्क है। तो बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। जो इसका बॉर्डर, ये आपको मैं पास से दिखा देती हूँ, ये आपको बॉर्डर मिलता है। और ये आपको ना नेट की साड़ी रिसीव हो रही है, जो दूर पे आप देख रहे हो ना, तो बॉक्स बॉक्स सा बना है, ये सितारे लगे हुए हैं, बहुत ही छोटे जीरो साइज के सितारे मिलेंगे। साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है रेड कलर, आपको वही कलर मिल रहा है। और इसको जब मैं ट्राई कर रही हूँ ना, तो मैं जब इसको ट्राई की हूँ तो मैं इसका जो मतलब जो वीडियो लेती हूँ वो अपने छत पे लेती हूँ, ताकि आपको ना नेचुरल के साथ ही मतलब नेचुरल कलर आपको दिखे इसका, जो धूप में या फिर जैसा भी दिखता है छत पे, तो नॉर्मल इसका नेचुरल कलर दिखे। इस कारण से आप उसको समझ में आ जा रहा होगा जब मैं इसको ट्राई कर रही होंगी। पूरी साड़ी ऐसी ही मिलती है, जो बहुत ही प्यारी सी है। लास्ट की बात करूँ तो लास्ट में ऐसा हम लोगों को चौड़ा सा बॉर्डर मिलता है, जो साड़ी में नीचे साइड आता है, और इस साइड लास्ट में ना हमको इस तरीके का बॉर्डर मिलता है जैसा आँचल में मिला है। तो साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। अब अगर इसके ब्लाउज़ की बात करें तो इसका भी ब्लाउज़ आप स्टिच कराओ, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो किसी भी कलर के साथ आपको पहन के बता रही हूँ। अब इसके लास्ट में ना इसका फैब्रिक हमको इतना अच्छा सा रेड कलर का रिसीव हुआ है, और वैसा ही बॉर्डर इसमें भी दिया हुआ है। तो ये अच्छा लगेगा जब आप इसको स्टिच कराओगे ना, और इसको स्लीव पे लगवाते हो ये बॉर्डर, तो ये साड़ी का लुक बहुत ही प्यारा सा आने वाला है, मतलब एक नंबर। वेडिंग में अगर इस टाइप की साड़ी पहनो ना आप, और नई नई अगर आपकी शादी हुई है तो अगर आपको ये वेयर करना है ना, तो इस टाइप की साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ी सी ये सब साड़ियाँ क्या होता है ना कि हमको चुभती हैं, जब गर्मी का टाइम होता है ना तो ये सब साड़ियाँ चुभती हैं, थोड़ा सा लगता है, क्योंकि सॉफ्ट साड़ी ही पहनने का टाइम होता है ये सब। लेकिन ये जब आप पार्टियाँ पहनते हो, कुछ टाइम के लिए पहनते हो, जब बहुत अच्छा पहनना होता है तो कहीं ना कहीं से हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये साड़ी मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इसको रखा और आपसे बता रही हूँ। मैं आपको जो साड़ी मुझे पसंद नहीं आती है ना, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। अब आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप ये पूरा वीडियो तो देखते हो, बट इससे पहले ना आपको साइड में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, आप उसको भी जाओ फटाक से फॉलो कर लो, क्योंकि इन सब का गेटअप आपको वहाँ मिलने वाला है कि मैं क्या अपडेट करती हूँ, कैसी सारी चीज़ें रखती हूँ, तो वहाँ पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फटाक से जाइए, उसको फॉलो करिए। अब अपने लास्ट अगर साड़ी की तरफ चलें, तो जो साड़ी मैंने अभी वेयर की है ना, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है। ये अभी शावी के कारण ना क्या हुआ कि मैं इसको पूरा नहीं बता पा रही हूँ, इसको सिर्फ वेयर करके बता रही हूँ कि आप देख लीजिएगा। मैं इसका मतलब वीडियो वेयर करने में दिखा रही हूँ आपको। तो पूरी साड़ी में ना आपको छोटी छोटी से ऐसे फ्लावर मिलेंगे, जो ये मैं आँचल साइड से दिखा रही हूँ, ऐसे छोटे छोटे से आपको फ्लावर मिलते हैं, ये आप देख लीजिए। ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, रानी कलर की साड़ी है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। और इसमें ना ऐसी हमको लेस मिलती है जो मैं मतलब जो हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्यारी सी लगती है, यानी कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा चलता है। साड़ी का फैब्रिक बहुत अच्छा है, मैंने ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ पहना है, क्योंकि इसका ब्लाउज तो स्टिच नहीं है, बट मुझे साड़ी बहुत पसंद आई। और इसका जो मुझे ब्लाउज रिसीव हुआ है ना, वो ऑर्गेन्जा ही फैब्रिक में ये रिसीव हुआ है, और उसमें भी ना इसी तरीके की लेस लगी हुई है। तो इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, साड़ी का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इसका प्राइस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मुझे बहुत पसंद आई, इसका कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, एक रेड है और एक रानी है, मैंने रानी कलर ऑर्डर किया। आप चाहें तो आप रेड कलर भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आई। चलिए यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ, बहुत प्यारे से वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय, शाबी बाय करो, फिर बाद में रोना बच्चा। बाय 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 बाय।